हेलो डियर सब्सक्राइबर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा डीसी मोटर। इसके बारे में ये आपका जो होता है 10th लेवल में और आपका 12th लेवल और यहां तक के डिप्लोमा लेवल में भी, अगर आप इस डीसी मोटर का एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो आने वाले जो जितने भी आपकी स्टडी होती है उसमें किसी में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती। और इसका जो प्रिंसिपल होता है वो भी बहुत सिंपल ही है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बेसिक नॉलेज जो हमारा सब जानते ही हैं, 10th वाले भी जानते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल। तो हमारा जो डीसी मोटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। मैं आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा। हमारे पास मोटर का हमने बिल्कुल ऐसा बेसिक लेवल में बताएंगे कि अगर 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी होगा तो उनकी भी समझ आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारा जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल है या फ्लेमिंग का राइट है, ये सब जो है हमारे 3D में है। एक्चुअल में हम बोर्ड पे इसको दिखा नहीं सकते, 2D में या क्लास में हम समझते हैं तो वहाँ पे 2D में हमें डायग्राम मिलते हैं, लेकिन इनका जो वर्क होता है या वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो सब 3D में होता है। तो उसी के लिए हमने एक मोटर का जो है इंटरनली स्ट्रक्चर को ओपन किया है और उसमें हमने अलग से मैग्नेट को दिखाया है और एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ सके और बहुत ही जल्दी कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाए। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे डायग्राम में सबसे पहले मैं बता देता हूँ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो हमारा डीसी मोटर पे वो वर्क करता है। डीसी मोटर में ये हमारा रूल होता है कि अगर हमारा N और S के बीच में अगर किसी कंडक्टर को रख दिया जाता है, कंडक्टर मीन कोई भी हमारे जो कॉइल्स होती हैं, कॉइल्स को रख दिया जाता है और उसमें अगर सप्लाई दी जाती है तो सप्लाई क्या करती है, वहाँ पे मैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स बन जाता है। ऐसा फोर्स बनता है कि जो इसे बाहर हटाने की कोशिश करता है कि यहाँ से ये हट जाए किसी भी साइड से, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉल बियरिंग लगा देते हैं, जिस वजह से वो मूव करने लगता है, यहाँ पे मोशन में आ जाता है। तो ये सिंपल है फ्रेंड्स, ज़्यादा इसको मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बताने के लिए। ये जैसे कि सामने आपके यहाँ मैग्नेट दिख रहे हैं, तो अगर हमने ये मैग्नेट यहाँ लगाया तो आप जानते ही हैं कि नॉर्थ से साउथ के बीच में हमारी लाइन्स निकलती हैं। नॉर्थ से साउथ के बीच में जब लाइन्स निकलती हैं तो अगर इनके बीच में हमने कोई कंडक्टर लगाया, अब आप ये समझेंगे कंडक्टर का मीन क्या होता है। कंडक्टर इस टाइप में होता है, ये आपके सामने दिख रही है जो कॉइल्स होती हैं, इसमें कॉइल्स लगी हुई हैं और यहाँ पे ये आयरन के स्लॉट लगे हुए हैं, इसको कंडक्टर बोलते हैं। अब ये कंडक्टर क्या करता है, यहाँ पे ये मैंने आप सामने यहाँ कंडक्टर रख दिया, ये कंडक्टर है, यहाँ पे बीच में मैंने यहाँ मैग्नेट रख दिया, एक मिनट, ये कंडक्टर पकड़ो, ये जैसे मैंने ये कंडक्टर रख दिया। अब यहाँ दो मैग्नेट हैं और अगर यहाँ पे मैं कम्यूटेटर से सप्लाई दूँ या कम्यूटेटर से सप्लाई दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे इसका अपोजिट मैग्नेटिक या इसका सेम टू सेम पोल यहाँ डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉपर है। आप जानते हैं कॉपर और आयरन को अगर साथ में सप्लाई दी जाए तो मैग्नेट बन जाती है, इसीलिए यहाँ सेम टू सेम यहाँ पे वो हो जाएगा डेवलप। अब ये देखिएगा कि अगर सेम पोल को हम लगाएंगे आपस में तो क्या होता है, रिपेल होता है ना, तो ये ऑलरेडी इसको रिपेल करेगा, लेकिन यहाँ क्या होता है, इसको हम फिट कर देते हैं बॉल वायरिंग के अंदर। बॉल वायरिंग में जब फिट कर देते हैं तो ये रिपेलिंग जो करता है, ये इसको ऊपर की साइड फोर्स लग जाता है इसका रिपेल से, और यहाँ की साइड जो होता है इसका नीचे की साइड लगता है, इस वजह से ये घूमना शुरू कर देता है। तो ये इस टाइप से आप रूल इसका समझ सकते हैं, जैसे ये मैंने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस टाइप पे इसे समझें आप कि ये यहाँ पे जो है हमारा मैग्नेट लाइन है, ये देखिएगा एन और एस, यहाँ पे क्या है आपका मैग्नेट लाइन, और यहाँ पे ये जो नीचे की साइड जा रहा है ये क्या है आपकी करंट जो आपने प्रोड्यूस किए हैं यहाँ से, ये बैटरी लगाई है आपने प्रोड्यूस किए हैं यहाँ से, तो ये आपका मैग्नेटिक लाइन्स है और ये करंट है आपकी जो इसमें भी प्रोड्यूस हो रही है। अब ये क्या है आपका, ये सामने है जो फोर्स डेवलप हो रहा है इसकी वजह से, ये जो आपका फोर्स डेवलप हो रहा है वो इस पे वर्क करेगा, इसको यहाँ से मूव कराएगा, सेकेंड वाले को नीचे की साइड मूव ले जाएगा, इस वजह से हमारा ये मूव हो जाता है। तो फ्रेंड चलिए अब मैं बताता हूँ आपको प्रैक्टिकल के बेस पे, जो एक्सपेरिमेंट में हमने दिखाया है आपको इसका इंटरनली पार्ट को जो ओपन करके दिखाया है। तो फ्रेंड देखिए, ये सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ ये आपका कंडक्टर है, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, ये आपको दिख रहा है
उसके बाद यहाँ पे इसका कम्यूटेटर है ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये रिलायंस है, ये कम्यूटेटर है। उसके बाद ये आपके सामने एक मैग्नेट और ये आपके सामने दूसरी मैग्नेट, और हमने ये जो बनाया है ये सामने यहाँ पे ये बोल्ट बनाया है जिसमें हम बैरिंग का ये बॉल बियरिंग का इससे वर्क ले रहे हैं और ये यहाँ पे वर्क कर रहा है ये, और ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है। तो मैं इसे लगा देता हूँ इसके अंदर, और ऑलवेज रिमेंबर ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो हम ये पोल लगाएंगे तो ये चिपके हुए होने चाहिए यहाँ से। ये आइए ज़रा सर जी, लो थोड़ा सा गैप देखें। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैं लगाता हूँ ये घूमना शुरू हो गया, यहाँ सही से लगाओ ये। रुक जाओ अब चलो।